Department of Tourism, Madhya Pradesh, takes pride to introduce the responsible tourism mission of the state. Various projects are being implemented under the umbrella of responsible tourism. The rural tourism project is being implemented in 100 selected villages of Madhya Pradesh. These villages represent the culture of various parts of Madhya Pradesh. The department is also focused to benefit the rural communities by holding their hands. मैं केवल ब्रीफ में इतना बताना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोविड के बाद में पूरे दुनिया में बहुत तेजी से काम होना शुरू हुआ है. तो गत वर्ष हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ गोल्ड वाला पुरस्कार प्राप्त हुआ. फिर इन छह रीजन्स के आपस में कॉम्पिटिशन होता है और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड यानी सबसे बढ़िया काम करने का अवार्ड मिलता है, ग्लोबल विनर होता है. तो मुझे हम लोगों ने आपसे शेयर किया है, साथ ही उतना खुशी है कि पिछले वर्ष WTM लंदन में मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में प्रतिस्पर्धा होने के बाद ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मध्य प्रदेश को दिया गया. और ये गौरव भारतवर्ष को मिला, भारतवर्ष में भी मध्य प्रदेश को मिला और मध्य प्रदेश में भी भोपाल को मिला. ICRT का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह जो होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये भोपाल में होगा 7 सितंबर को. ये अवार्ड सेरेमनी यहां होगी जिसमें लगभग 16 देशों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करके अंतर्राष्ट्रीय जूरी निर्णय करेगी और इनके जो विनर्स होंगे 10 कैटेगरी के 30 अवार्ड्स की सेरेमनी यहां पर होगी इसी मिंटो हॉल में. और ICRT जो अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी है जिसमें विभिन्न देशों के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दिल्ली, कई देशों के लोग हैं, वो सब लोग यहां पर पधारेंगे. तो ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन के आकर्षण को हम दूर दराज देशों में पहुंचाएं और यहां पर जो पीछे गति रुक गई थी, देशी जो हमारे साथी पर्यटक आते थे यहां के आकर्षण से खिंचे चले आते थे, चाहे खजुराहो हो, यहां के नेशनल पार्क हो, वो बीच में कोविड और उनके कारण एक जो थम गया था सिलसिला, उसको हम चालू ही नहीं करें बल्कि पुरजोर तरीके से नए जोश के साथ और इस स्तर पे करें कि ये हमारे राज्य के लिए भी हितकारी हो बल्कि पूरे देश का नाम हर जगह पहुंचे. और हमारा आप सबसे भी अनुरोध होगा कि मध्य प्रदेश के इस प्रयास को अपने स्तर से सभी दूर पहुंचाने का जो एक महत्वपूर्ण जिम्मा आपका है वो हमें आपका साथ मिले, सहयोग मिले और स्नेह मिले. बहुत बहुत धन्यवाद.